Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Srishtha. So guys, in today's video, I'm going to share some tips and tricks for class 11th economics. तो पिछली वीडियो में मैंने शेयर करी थी पॉल साइंस और साइकोलॉजी की टिप्स एंड ट्रिक्स. इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स की. तो मेरे पास अपने वीडियो के कमेंट में आया था कि यार एक वीडियो ऐसी जरूर बनाओ इकोनॉमिक्स में टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर क्लास 11th बेसिकली. तो इस वीडियो में मैं वही शेयर करने वाली हूँ. एंड फर्स्टली काइंडली बेयर विद माई वॉइस. एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो, मेरी तबीयत अभी इतनी ज्यादा खास नहीं है. मेरे को थोड़ा सा अभी कफ है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ बहुत खराब आ रही है. बट एनीवेज, आते हैं आज की वीडियो पे. तो एज यू ऑल नो दैट क्लास 11th में इकोनॉमिक्स की दो बुक्स है. फर्स्टली इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन इट इज स्टैटिस्टिक्स. तो व्हाट आई फाउंड इजी इज स्टैटिस्टिक्स वाली बुक, क्योंकि उसमें नॉर्मली सब स्टैटिस्टिक्स जो हमारी नॉर्मल होती है वही है. बट राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी इज आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ. तो यार मेरे ना अभी क्लास में जो है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर चल रहा है, दैट इज कॉस्ट. तो कॉस्ट वाले चैप्टर में एक सैंपल लेके इधर इस वीडियो में पूरा शेयर करने वाली हूँ. तो यहाँ पे चैप्टर 6 जो है कॉस्ट, वो हमें अभी पढ़ाया जा रहा है. तो बेसिकली ना यार, इफ यू वॉन्ट टू स्टडी एनी चैप्टर ऑफ बेसिकली इकोनॉमिक्स, तो यार सबसे पहले तुम अपना सिलेबस नोट डाउन करो. सिलेबस में चेक करो कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं, उनको उस अकॉर्डिंगली अरेंज करो. क्योंकि हमें पता है कि हमारे फाइनल्स बहुत ही लाइक यू नो अभी आ जाएंगे, नेक्स्ट ईयर से हैं बेसिकली. तो उससे पहले हमें हमारा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा. तो इस वजह से ना यार, तुम बस लिखते जाओ कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर जो तुम्हें ईजी लगता है बेसिकली, कि तुम्हें कौन सा चैप्टर ईजी लगता है, कौन सा मुश्किल लगता है, उस अकॉर्डिंग करने बैठो. सबसे पहले जो चैप्टर्स तुम्हें ईजी लगते हैं उनको करके हटाओ, क्योंकि वो तुम्हें ऑलरेडी आते हैं, तो तुम उनको फटाफट कर लोगे. एंड उसमें ज्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है, बस हमें यू नो अपना मिनिमम टाइम लगाना है, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी आता है. तो इसलिए जो चैप्टर्स आते हैं उन पे कम टाइम स्पेंड करो, बट ऐसा मत करो कि यार उसे टोटली इग्नोर कर दो. टिप नंबर 2 सेज दैट फोकस ऑन की पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, वो प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर और कॉस्ट, ये चैप्टर्स हैं जो बेसिकली थोड़े से टफ हैं. तो इनमें यार बेसिकली क्या करना होता है ना, तुम्हें एक बार बैठ के समझना होता है इन, मतलब व्हाट वी डू इज बेसिकली, मैं भी ऐसे करती थी यार पहले, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, कि यार जो मेन हेडिंग होती थी ना जैसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है, मैंने थोड़ा सा पढ़ा, मेरे को नहीं समझ आया, तो मैंने वो पर्टिकुलरली स्किप कर दिया. तो वैसे नहीं करना है. यू डोंट हैव टू स्किप दैट, मतलब हेडिंग की डेफिनेशन तुम्हें स्किप नहीं करनी है, क्योंकि हेडिंग में ही पूरा यू नो छुपा होता है पूरा चैप्टर. तो इस वजह से अपने की पॉइंट्स को हमेशा फोकस पे रखना है कि हाँ यार ये करना है. एंड इफ वी टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स, तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में ना जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं या फिर जो भी बेसिक चीजें हैं जैसे कि डाटा कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन मोड, बेसिकली वो सब तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिंपल है. इसमें कोई ज्यादा हाई मैथ नहीं लगती है, नॉर्मल जो हम बेसिक मैथ जो लगती है बस. उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज मेक नोट्स. तो यार देखो, फॉर इकोनॉमिक्स यू हैव टू मेक नोट्स, क्योंकि जैसे कि तुम्हें पता है न्यूमेरिकल्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, उन सब चीजों के लिए तुम्हें अपना यू नो एक नोट बनाना जरूरी होता है, नोट्स बनाना जरूरी होते हैं. क्योंकि वट वी फोकस ऑन इज कि हम चैप्टर को रीड कर रहे हैं. ओके, यू आर रीडिंग द चैप्टर, दैट इज वेरी गुड, बट ऑल्सो मेकिंग द नोट्स, इट विल एनहेंस योर लर्निंग. तो इस वजह से ना यार, जब भी तुम पढ़ने बैठो अपने साथ एक पेन कॉपी लेके बैठो. आई एम नॉट सेइंग यू टू मेक अ वेरी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज नोट, इतना बनने चाहिए तुम्हारे नोट्स इतने अच्छे कि तुम्हें समझ आ रहे हैं, दैट इज इट. वी डोंट केयर कि किसी और को समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तुम्हें समझ आनी चाहिए, दैट इज इट. नाउ जैसे कि तुम्हें पता है कि क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली ना तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स थोड़े ज्यादा हैं. फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में बहुत सारे यू नो न्यूमेरिकल्स हैं, साथ ही साथ इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं. तो तुम फोकस करो कि यार तुम ना उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि ऑफकोर्स यार न्यूमेरिकल्स अगर तुम्हें आ गए ना तो तुम इजिली नंबर्स मतलब टीचर से अपने आप ले लोगे. तो हाँ, इस वजह से ना न्यूमेरिकल्स पे बेसिकली बहुत ज्यादा फोकस रखना है हमें. ओके, सो द नेक्स्ट टिप सेज दैट रिवाइज डायग्राम्स. तो देखो यार, जैसे कि तुम्हें पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में इफ आई टॉक अबाउट कॉस्ट वाला चैप्टर, देन उसमें एक्चुअली बहुत सारे लाइक नॉट ओनली कॉस्ट बट ऑल्सो प्रोडक्शन फंक्शन या फिर यू नो सप्लाई, इन सब चैप्टर्स को अगर हम देखेंगे तो यार अगर तुम इनमें देखोगे ना तो इनमें बेसिकली डायग्राम्स या फिर जो शेड्यूल होता है वो बहुत ज्यादा होता है. शेड्यूल और डायग्राम, ये दो चीजें हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स में ध्यान रखनी है कि तुम याद रखो. आई नो ये थोड़ा सा टफ होता है, मतलब हाँ हम याद नहीं कर पाते, बट यू हैव टू डू, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में कभी भी आ सकता है दैट टीवीसी क्या है बताओ और उसका एक शेड्यूल और डायग्राम बनाओ. तो इस वजह से डायग्राम एंड शेड्यूल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उनको बेसिकली ना यार तुम कैसे याद कर सकते हो, वेन एवर यू आर सिटिंग, मतलब तुम खाली बैठे हो, आइडल बैठे हो, देन यू कैन जस्ट ओपन योर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक एंड जस्ट गो थ्रू द डायग्राम्स. मतलब बेसिकली तुम्हें अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा कि हाँ यार मेरे को ये लर्न करना है तो इसके लिए मैं बैठ जाऊँ. तो इस वजह से ना तुम सिंपली बस जब भी तुम आइडल बैठे हो, यू जस्ट ओपन योर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू द
होल बुक राइट, उसमें जितने भी डायग्राम्स हैं उन पर ढंग से ध्यान दो, उनको समझो, जो चीज़ ना समझ आए उसको मतलब बैठ के समझने लग जाओ, ऑटोमेटिकली तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा उस चीज़। नाउ द नेक्स्ट स्टेप कम्स इज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये मैं क्यों कह रही हूँ, पहले इससे पहले एक और टिप मैं ऐड करना चाहूंगी कि यार ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, इस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, हाफ ईयरली में एक क्वेश्चन आया था पूरा केस बेस्ड जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। आई वॉज टोटली ब्लैंक एट दैट टाइम क्योंकि मैंने केस बेस्ड क्वेश्चन की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी थी। आई डिडंट एवर सॉल्व वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हाँ, मैं यही सबको सजेस्ट करूंगी फॉर इकोनॉमिक्स, यार एक लाइक यू नो एटलीस्ट 5 to 6 or 7 जितना भी तुम कर सकते हो उतने तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, क्योंकि इट विल लीड यू टू गुड मार्क्स एंड तुम्हें सारे क्वेश्चन के क्या तरीके हो सकते हैं उस सब तरीकों से तुम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना जरूरी होता है। सो हाँ, so yes guys, that is it for the today's video and I hope you guys enjoyed watching today's video. If you really did so, then do not forget to like, share, comment and also to subscribe to my channel because it really motivates me a lot to make these types of new videos. Hum milenge hamari next video mein, tab tak ke liye take care and bye bye.